कुलाड़ी विलयनों के गुण। हम प्रॉपर्टीज देखेंगे कोलाइडल सॉल्यूशन के। कोलाइडल सॉल्यूशन का गुण क्या है देखें, ऊपर में हेडिंग लगा सकते हो कोलाइडल विलयनों के गुण। इसमें सबसे पहले गुण देखते हैं, आपको बताते हैं टिंडल इफेक्ट। टिंडल प्रभाव, प्रभाव अब मान के चलो ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक आएंगे। अब टिंडल प्रभाव किसी कोलाइडी विलयन में यदि आप प्रकाश किरण प्रवाहित करते हो, चलो इसको मैं टॉर्च बना दे रहा हूं आपके लिए समझाने के लिए, लेजर टॉर्च है या नॉर्मल आपके यहां टॉर्च है जिसमें पतली लाइट की बीम निकलती है। कोलाइडी विलयन से जब इसको गुजारोगे, लाइट डालोगे, तो कोलाइडी विलयन में क्या होगा देखिए, जहां से प्रकाश लाइट तो ऐसे गुजरती है ना टॉर्च में, देखिए लाइट ऐसे परिसर में, अगर सीधा है तो कोई बात नहीं सीधे ही दिखाई देगा आपको। कोलाइडी विलयन में प्रकाश, तीव्र प्रकाश किरण प्रवाहित करते हैं है ना, तो इस प्रकाश के मार्ग में आने वाला कोलाइड कण चमकने लगती है, जिससे वो जो प्रकाश का मार्ग होता है वो प्रदीप्त हो जाती है, एक तरह से चमक उठती है। ठीक है, इस घटना को टिंडल प्रभाव कहते हैं। क्या बोला मैंने, कोलाइडी विलयन में प्रकाश किरण प्रवाहित करने पर उसका मार्ग चमकने लगती है या वो मार्ग दिखने लगता है, तो उसे क्या बोलेंगे टिंडल प्रभाव कहते हैं। क्यों चमकती है, स्कैटरिंग के कारण, प्रकीर्णन के कारण। ये जब प्रकाश किरण इनके कणों से जब टकराती है तो वो कण प्रकीर्णन या स्कैटरिंग के कारण चमकने लगता है। जब ये एक एक कण चमकेगा तो उसके मार्ग में जितने कण आएंगे सब चमकेगा, चमकेंगे तो क्या दिखेगा आपको, वो लाइट एक मार्ग की तरह दिखाई देगा, एक रास्ते की तरह दिखाई देगा, तो इसे कहते हैं, इस घटना को कहते हैं टिंडल इफेक्ट। इस इफेक्ट को कहेंगे टिंडल इफेक्ट। कारण भी पता चल गया। तो कोलाइडल विलयन तो वास्तविक विलयन है, ट्रू सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन और सस्पेंशन, ये तीनों को अगर देखें तो आप देखेंगे वास्तविक विलयन है। नमक के विलयन में से अगर प्रकाश प्रवाहित करोगे तो लाइट का जो मार्ग है वो नहीं दिखाई देगा, समझ रहे हो, लाइट का जो मार्ग है वो नहीं दिखाई देगा। किसमें दिखाई देगा, कोलाइडल विलयन। सस्पेंशन में भी एक बार दिखाई देगा, ठीक है, परंतु किसमें नहीं दिखाई देगा, ट्रू सॉल्यूशन में। पानी में प्रकाश डालोगे, जैसे ये नॉर्मल हमारा हवा है, यहाँ पर एयर है, यहाँ पर लाइट अगर डालते हो तो आपने देखे होंगे, जैसे प्रोजेक्टर जब चालू करता हूँ तो आपने देखे होंगे कि जैसे जहां पर तेज रोशनी आ रही है उस जगह पे जो पूरा मार्ग आपको चमकता हुआ नजर आता होगा, थिएटर में गए होंगे तो वहां पर देखे होंगे, तो क्या होता है वो पूरे जहां जहां पे थोड़े बहुत कण रहते हैं, क्योंकि हमारे जो एयर है, एयर में भी कुछ जो डस्ट कण है, पार्टिकल्स है, वो क्या है, फैले हुए हैं, तो जैसे इस पर लाइट पड़ती है वो प्रकीर्णित हो जाती है, चमकने लगती है। यस, तो इस तरह से इस प्रक्रिया को क्या बोला जाएगा बेटा, टिंडल, इस प्रभाव को टिंडल प्रभाव कहते हैं। छोटा सा लाइन लिख लीजिएगा, कोलाइडी विलयन में तीव्र प्रकाश किरण प्रवाहित करने पर प्रकाश का मार्ग प्रदीप्त हो जाता है या चमकने लगती है, जैसे भी बोले, प्रकाश का मार्ग प्रदीप्त, ब्रैकेट में लिख लो, चमकने लगती है, प्रदीप्त हो जाता है इस प्रभाव को टिंडल प्रभाव कहते हैं।
लेडी विलियन, प्रदीप्त पाथ है ना, मतलब मार्ग। यदि वो लाइट थोड़ी सी जब आगे की ओर बढ़ती है, बहुत बड़े क्षेत्र से गुजार रहे हैं प्रकाश को समानांतर से, ध्यान से सुनिएगा, अगर प्रकाश को बहुत बड़े क्षेत्र से गुजार रहे हैं, किसमें, पोलैरिटी विलयन में, तो क्या होता है कि वो इस तरह से दिखाई देती है कि जैसे एक कोण बन गया है। तो इस कोण को बोलते हैं टिंडल कोण। टिंडल कोण कहते हैं, ठीक है। मतलब ये जो कोण जैसे दिखाई दे रही है ना, शंकु जैसे दिखाई दे ना, टिंडल शंकु, टिंडल कोण कहते हैं इसको। चलो चित्र बना लो, जल्दी बनाना है तो। चलिए मेरी बातों को सुनिए, थोड़ा सा लिखिएगा। कारण कोलाइड कण प्रकाश किरणों का प्रकीर्णन कर देती है, स्कैटरिंग, स्कैटरिंग बोलते हैं इंग्लिश में, प्रकाश किरणों का प्रकीर्णन कर देती है, जिसके कारण टिंडल प्रभाव उत्पन्न होता है। देखिए कोलाइड कण के साइज पर ध्यान दें, अगर ये प्रकाश किरण की तरंगे हैं, मेरी बातें सुनिए ठीक, देखो ध्यान से, ये प्रकाश किरण की क्या है, तरंगे हैं। यदि कोलाइड कण का आकार इस तरंग के साइज से छोटा है, तो कहीं पर आएगा तो वो क्या हो सकता है, वहां से वो पार हो सकता है, कौन, प्रकाश तरंगे। सो ये प्रकीर्णित नहीं कर पाएगी लाइट को, किसी तरह से रिफ्लेक्ट नहीं कर पाएगा। लेकिन यदि कोलाइड कण कैसा है, इस तरंग से बड़ा है, तो क्या हो सकता है, तरंग दैर्ध्य मतलब यहां से इससे थोड़ा बड़ा होना चाहिए। तो मतलब क्या हुआ, अगर वो बड़ा कण है तो क्या होगा, किसी भी हाल में क्या है, उन तरंगों को वो क्या करती है, काट देती है। तो ये तरंगे पार नहीं हो पाएंगे, सो क्या होगा, इसका कहीं से रिफ्लेक्शन होगा। बोलो, मेरी बात समझ रहे हो, मतलब कोलाइड कण का साइज यदि लिए गए जो प्रकाश तरंग है उनसे, उस तरंग दैर्ध्य से अगर बड़ा है इसका व्यास, किसका, कोलाइड कण का, तभी वो प्रकीर्णित करेंगे, अगर उसे छोटा है तो प्रकीर्णित नहीं होगी। बस हमारी है, तो ये कारण होता है कि ये एक और मजेदार बातों को निर्धारित करती है, ये कोलाइड कण का साइज छोटा या बड़ा होने पर कोलाइड कण का रंग भी अलग अलग आता है, रंग को भी प्रभावित करती है। यानी कोलाइड कण में अगर साइज छोटा है कणों का, तो अलग रंग आएगा, प्रकाश डालेंगे, व्हाइट लाइट डालेंगे, तो क्योंकि तरंग दैर्ध्य के कौन सा, किस लाइट को वो क्या करती है, प्रकीर्णित करती है, किसका लाइट को वो रिफ्लेक्ट करती है, उस पर डिपेंड करता है। यानी किस तरंग दैर्ध्य को वो रिफ्लेक्ट कर सकती है, कौन, वो कण। तो इसके कोटि पर डिपेंड करता है, साइज पर। तो दो बातें, एक तो सबसे पहले हमने ये देखा कि टिंडल प्रभाव तभी इफेक्ट आएगी, तभी प्रभाव आएगा जब कोलाइड कण का आकार लिए गए प्रकाश किरण के तरंग दैर्ध्य से बड़ा हो। नीचे लिखना चाहो तो लिख सकते हो,
कोलाइड कण का आकार लिए गए या प्रवाहित की गई प्रकाश किरण की तरंग दैर्ध्य से बड़ी होनी चाहिए। चलिए हो गया। तो मैथ्स में जिन बच्चों को डाउट्स आता है उनके लिए एक बहुत बढ़िया सा ऐप आया हुआ है डाउट नट। इसमें क्या करना है कि इस ऐप को इंस्टॉल कर लेना है। इसका मैं लिंक दे दूंगा अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। उस लिंक को क्लिक करेंगे तो आपको ऐप आएगा, ऐप को इंस्टॉल कर लेना है। जैसे ऐप स्टार्ट करोगे वैसे इसका कैमरा ओपन हो जाएगा। फिर उस कैमरे से उस क्वेश्चन को, उस डाउट वाले क्वेश्चन को आप उसका फोटो ले लेना। जितना क्वेश्चन आपको चाहिए, एक क्वेश्चन एक बार में ना, एक क्वेश्चन जिस क्वेश्चन का आपका डाउट है उस क्वेश्चन को आप क्या करेंगे, क्रॉप करेंगे। क्रॉप करना समझते हो ना, जो एक्स्ट्रा है उसको निकाल देना, जितनी फोटो रखना उतना ही रखना है, ठीक है। उसके बाद क्रॉप करने के बाद आप उसको सेंड कर देंगे। जैसे सेंड करेंगे प्रॉब्लम था उसका सॉल्यूशन, वो सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा कुछ ही सेकंड बाद उसी ऐप में, ठीक है। तो आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, मैथ्स में आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, आपके डाउट्स को सॉल्व करने के लिए एक बेहतर सा एक ऐप आ चुका है, वो है डाउट नट। तो डाउट नट ओपन करिए, इंस्टॉल करिए और उनसे अपने डाउट्स पूछिए। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउट नट का लिंक डाल दिए हैं, उस लिंक को ओपन करिए और आप अपने मोबाइल में इस डाउट नट के ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए। जो भी मैथ्स में आपका प्रॉब्लम होगा वो सारे मैथ्स का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा कुछ ही सेकंड में, आप इसे इंस्टॉल कर लीजिए। ब्राउनी गति, यदि आप किसी कोलाइड विलयन को देखते हो माइक्रोस्कोप से और उसे कोलाइड कण अगर दिखाई दे रहे होंगे तो आपको वो कोलाइड कण जो है कई दिशाओं में जिगजैग अलग अलग दिशाओं में यानी टेढ़े मेढ़े गति करते हुए नजर आएंगे अपने आप। आप इसको कई सालों तक भी रखे रहो स्थिर तो भी वो किसी ना किसी दिशा में अलग अलग किसी भी दिशा में वो घूमते हुए नजर आएगा। मतलब ये नहीं, मतलब इधर गया उधर गया उधर गया उधर गया उधर गया उधर गया, एक कण स्थिर रूप में नहीं नजर आएगा, मतलब वो स्थिर नहीं रहेगा। तो ब्राउनी ने क्या बोलते हैं, ब्राउनी गति, रॉबर्ट ब्राउन ने इसे बताया था कि भाई इस तरह की कोलाइड विलयन में गति होती रहती है उसके कणों का। वो नहीं बता पाए थे कि ये गति क्यों होती है, बस ऐसा होता है। तो इसका कारण क्या है, इसको वीनर ने बताया था। कारण किसने बताया था, वीनर ने। इसने कहा कि ये गति इसलिए होती है कि कोलाइड कणों पर जो उसके माध्यम के अणुएं होती हैं वो लगातार अनियमित रूप से इस पर टकराती रहती हैं। जैसे मान लीजिए ये तीन कण इसे टकराए, इधर से एक कण टकराया, इधर से भी एक कण टकराया, इस तरह से। तो हर तरह से अगर परिणामी तौर पे देखें तो ये किधर जाए गति करेगी, इधर। इस गति का प्रभाव बहुत, इसका तो बहुत ही कम पड़ेगा, लेकिन पड़ेगा जरूर, दिशा थोड़ी चेंज करेगी। ये इधर से भी टकरा गया, इधर से टकराए तो स्पीड को थोड़ा कम कर दिया इसने, ठीक। लेकिन अंततः ये इसकी मूल गति क्या होगी, ये होगी। यस, तो क्या आपने देखा कि वेनर ने कहा कि माध्यम के जो अणुएं होती हैं, मतलब डिस्पर्शन मीडियम के जो कण होते हैं वो इन कणों पर टकराती रहती है अनियमित रूप से, जिस कारण से ये जो कोलाइड कण है वो भी गति करती है। क्योंकि कोलाइड कण बड़े साइज का होता है इसलिए माइक्रोस्कोप में दिखाई दे देती, लेकिन ये कण बहुत छोटा होता है जिसे हम माइक्रोस्कोप से देख ही नहीं सकते, इसलिए ऐसा लगता है कि कोलाइड कण गति कर रही है। और इस तरह से जिग-जैग गति करती है, इसी को हम कहते हैं ब्राउनी गति, कोलाइड कणों का टेढ़े मेढ़े गति करना ब्राउनी गति कहलाती है। लिख लो, ब्राउनियन मोमेंटम, मोमेंट ब्राउनियन मोमेंट, और इसको ब्राउनी गति लिखते हैं। लिखो, कोलाइडी विलियन का, कोलाइडी विलियन में
फुल आईडी विलयन में कोलाइड कणों का लगातार टेढ़े मेढ़े दिशाओं में गति करना ब्राउनी गति कहलाता है। ब्राउनी गति कहलाता है। नीचे लिख लो, सन 1827 में रॉबर्ट ब्राउन ने जल में निलंबित पराग कणों की गति का अध्ययन किया था। 1827 में उन्होंने इस बात की खोज किया कि ऐसी कोई गति भी होती है, ऐसी कोई मोमेंट। वो शुरुआत में तो वो यही सोच रहे थे कि उसमें जो पराग कण होंगे उसमें कुछ सीलिया वगैरह होगा, इसमें कुछ ऐसा मतलब चलने वाली कुछ ऐसी चीजें होंगी जिसके कारण वो मूवमेंट कर रही है। फिर और भी कोलाइडी सॉल्यूशन को उन्होंने जब अध्ययन किया तो पता चला कि पराग कण यानी पोलन ग्रेन्स में तो हो सकती हैं, परंतु दूसरे जैसे कि अगर मान लीजिए मेरे पास है स्वर्ण कोलाइड है, गोल्ड का कोलाइड है, उसमें कहाँ से आएगा सीलिया। हाँ, स्टार्च के कण है उसमें कहाँ से आएगा सीलिया, वो तो जिंदा नहीं है, है ना। पराग कण को बट जीवित मान सकते हो क्योंकि जीवों से मिला हुआ है, लेकिन ये सब चीज़ें तो नहीं हो सकती हैं। तो बहुत सारी बातें आई, तो उन्होंने कहा कि कोलाइड सॉल्यूशन में उनके जो कोलाइड कण होते हैं वो जिगजैग मूवमेंट करती रहती है, इसको ब्राउनी गति कहते हैं। कारण भी समझ में आ गया, कारण नहीं लिखा है क्या, नीचे लिख लो। ये फिगर बना लेना बेटा, ऐसा उससे कभी जगह छोड़ दे रहा हूँ, क्योंकि हर चीज़ को एक तरह से बताना बहुत ज़रूरी होता है ना, फिगर का बहुत महत्व होता है हमारे परफेक्ट आंसर लिखने में। लिखो कारण, लिखो 1863 में वीनर ने स्पष्ट किया कि प्रक्षेपण माध्यम के अणुए कोलाइड कणों पर असमान रूप से टकराती हैं, जिससे ब्राउनी गति उत्पन्न होता है। अब एक बड़ी बात है सुनिएगा, ब्राउनी गति से क्या होगा, जैसे कोलाइडी विलयन में क्या होता है आपको पता होगा, उनके कण हैं, वितरित हैं, ठीक है। हमने इससे पहले पढ़े थे इसमें चार्ज होता है, इस कारण से एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती हैं, ये सही है, समान चार्ज होता है ना उसके कणों में। धनात्मक कोलाइड होता है, ऋणात्मक कोलाइड होता है, दो प्रकार का कोलाइड होता है। धनात्मक कोलाइडों में कोलाइड कण का जो चार्ज होता है पॉजिटिव 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 रहेगा, तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। ऋणात्मक कोलाइड में कोलाइड कण कैसा होगा, निगेटिव होगा, तो निगेटिव होने से प्रतिकर्षित करेंगे, रिपल्शन करेंगे, सो एक दूसरे का नजदीक नहीं आ सकता, एक कारण होगा। दूसरी बात यह होगी कि इसमें गति हो रही है, इस गति से क्या होगा कि अगर कोई कण मान लीजिए नीचे की तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से नीचे ग्रेविटी की वजह से नीचे की ओर बैठने लगी, तो चूंकि वो गति हो रही है, इस गति की वजह से क्या हुआ, अगर यहां पर कोई कण बैठने भी लगे तो ये दूसरे कण इस पर टकरा करके उसको उछाल देगा। यानी कि इस तरह से कोलाइडी विलयन के स्थायित्व
निर्धारित हो जाती है, यानी कोलाइडर विलयन एक तरह का स्टेबल सॉल्यूशन हो सकता है, स्थायी सॉल्यूशन बन सकता है, अन्यथा वो कोलाइडर विलयन की जो स्थायित्व तो है वो प्रभावित हो सकती है, यानी कि ये कण का गुरुत्वाकर्षण प्रभाव से नीचे बैठने को रोकता है। नीचे लिख लीजिएगा महत्व, ब्राउनी गति का महत्व, लिखो ब्राउनी गति कोलाइडी कणों पर गुरुत्वाकर्षण बल, कोलाइडी कणों पर गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव से होने वाले तली में जमाव जो पदार्थ घुला हुआ है वो नीचे की ओर जम रही है, इस घटना को बोलते हैं सेडिमेंटेशन, तली में जमाव सेडिमेंटेशन के विरुद्ध कार्य करता है। के विरुद्ध कार्य करता है, तली में जमाव के विरुद्ध कार्य करता है, जिससे कोलाइडी विलयन स्थायी हो जाता है। अणुवे गति कर रही है बेटा जी, इससे क्या पता चलता है कि जो अणुगतिक सिद्धांत है उसको एक आधार मिलता है कि अणुओं की गति का सिद्धांत है वो। अणुगतिक सिद्धांत को क्या मिलती है, एक तरह से उसकी व्याख्या की जा सकती है। ब्राउनियन गति के आधार पर लिखना चाहो तो लिख सकते हो, ब्राउनी गति के आधार पर अणुगतिक सिद्धांत की व्याख्या किया जा सकता है। एक और बात देखिएगा, ये कोलाइडी विलयन है, इस तरफ अधिक सांद्रता है, मान लीजिए अधिक कॉन्सेंट, हमने थोड़े सांद्र यानी कॉन्सेंट्रेट कोलाइडी विलयन रखे, इस तरफ मतलब एक ही पात्र है उसमें मैंने थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट कोलाइडी विलयन डाल दिया, तो क्या होगा, या यूं कह सकते हैं ये पानी है, बोलने के कई तरीके हो सकते हैं, ये पानी है, पानी मैंने कुछ बूंदे कोलाइडी विलयन डाल दिए, इसमें क्या है कुछ कोलाइड होंगे, तो इनमें क्या हुआ, ये जो कण है इस जगह पर गति कर रही है तेजी से, तो इससे क्या होगा, ये जो कण है डिफ्यूजन के थ्रू, यानी कि ये गति हो रही है तेजी से, इसलिए ये क्या करेगा, यहां से दूर जाने की कोशिश करेगा, सो डिफ्यूजन आराम से हो जाएगा, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह आराम से ये पूरे विलयन में फैल जाएगा, तो अधिक सांद्रता से, अधिक कॉन्सेंट्रेशन एरिया से कम सांद्रता वाले की तरफ वो आसानी से विसरण कर सकती है। तो ब्राउनियन गति होने से विसरण की व्याख्या कर सकते हैं, ठीक है, तो लिखना चाहो तो लिख सकते हो, ब्राउनी गति के कारण कोलाइडी विलयन में, ब्राउनी गति के कारण कोलाइडी विलयन में उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर कोलाइड कणों का विसरण या डिफ्यूजन होता है, ये इसका महत्व है।
आप लोग ये सोचते हो कि भ्रमणी गति किसे कहते हैं, मतलब क्वेश्चन आ गया तो आप लोग सोचते हो कि एक परिभाषा लिखे और छोड़ छाड़ के आ जाए, वो क्यों हो रहा है, कारण बताना है, इसका महत्व क्या है, इसका फायदे क्या है, ये बताना है, तब जाकर के वो पूरा एक आंसर बनता है। समझ में आ रही बातें? चलिए आगे चलते। चलिए मैं आपको बताता हूं कि मेरे चैनल में कितने वीडियोस ओपन हैं और उन सारे वीडियोस को कैसे आप देख सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आप YouTube ओपन करिए, फिर इसमें सर्च करिए विक्रम हैप केमिस्ट्री। इस प्रकार से मेरा आइकॉन ओपन हो जाता है और नीचे लिखा रहता है विक्रम सिंह। वैसे मेरे चैनल का नाम विक्रम सिंह है, पर आप विक्रम हैप केमिस्ट्री करके सर्च करेंगे। मेरे फोटो को क्लिक करिए जिससे मेरा चैनल ओपन हो जाएगा। अब देखिए ऊपर होम वीडियो प्लेलिस्ट लिखा है। होम में क्या होगा कि पूरी जो वीडियोज़ है जो रैंडम में आएगा, यानी आगे पीछे आएगा। वीडियो में देखेंगे तो जो वीडियो अभी नए नए अपलोड होते जा रहे हैं वो आता है, और अगर प्लेलिस्ट ओपन करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, देखिए प्लेलिस्ट को क्लिक करिए, इससे मेरे सारे प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगा और जिस टॉपिक से रिलेटेड आपको वीडियोस देखने हैं उनके सारे वीडियोस उसमें ओपन हो जाएंगे जो वीडियो अपलोडेड है। कुछ प्लेलिस्ट है जो अभी भी उस प्लेलिस्ट के अंदर बहुत सारी वीडियोस जो है अभी अपलोड हो रहे हैं, तो ये धीरे धीरे करके अपलोड होते जा रहा है और उनको आप देख सकते हैं। तो इस प्रकार से मेरे चैनल को ओपन करके सारे वीडियोस आप देख सकते हैं। नमस्कार।